उधर चले, अरे यहाँ आना है अरे उल्टा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 झारखंड वीर शिबु जिंदाबाद 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 वीर शिबु जिंदाबाद 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 लड़के सही तो अमर रहे अमर रहे झारखंड अरे इधर मौका है अरे भैया लेकिन आगे बाबा सबसे पहले तो हम जब भी महाधिवेशन होता है तो चर्चा इस पर होती है कि हमने जिस उद्देश्य से जिस मकसद से हमारे दुसम गुरु शिबु सोरेन जी ने और हमारे जो भी हमारे अग्रजों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों ने जिस त्याग बलिदान के साथ इस राज्य का निर्माण कराया और जिस उद्देश्य से निर्माण कराया वो उद्देश्य हम कैसे प्राप्त करें सबसे पहला हमारा यही लक्ष्य होता है जब भी महाधिवेशन होते हैं तो। और आप सभी को पता है कि महाधिवेशन हमारा 3 दिनों का होता था, इस बार उसको कोविड को देखते हुए 1 दिन का कर दिया गया है, हमारे डेलीगेट्स की संख्या भी कम कर दी गई है, लेकिन सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, जो भी प्रक्रियाएं होती है वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी की जाएंगी और विधिवत हमारा जो संगठनिक जो ढांचा है उसका उसको पूरा किया जाएगा। आगे की रणनीति तैयार होगी पार्टी की, आगे पार्टी हमेशा हमें जो ऊर्जा भरी है दिसम गुरु शिबु सोरेन जी ने और उसकी चिंगारी आज एक एक कार्यकर्ताओं में व्याप्त है और हम और भी मजबूती के साथ आज पहली बार हमने 30 सीटें जीती, अब हमारा लक्ष्य होगा कि हम 50 सीटें जीतेंगे और हम कार्यकर्ताओं की बदौलत हमें भरोसा है कि हम जरूर आने वाले चुनाव में 14 लोकसभा सीटें और 50 विधानसभा की सीटों को हम जीतने वाले। सोच के साथ आगे बढ़ी थी सर, क्या वहाँ तक धरातल तक पहुँच पाई? देखिए आपने देखा होगा कि 20 साल में आज किन के हाथों सत्ता रही, इन किन प्रकरण किस तरह के दलों के जो राज्य विरोधी ताकतों के हाथों में सत्ता रही, जब भी हमारे हाथ में सत्ता आई अपने 14 महीने का कार्यकाल देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और अभी 2 साल का कार्यकाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से ज़मीनी काम हो रहे हैं। तो हम इसी उद्देश्य पर, पहले ही मैंने कहा कि हम इसी मकसद ये पर काम करते हैं, इसी एजेंडे पर काम करते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक उसका लाभ पहुँच सके। हम लोग का MLA जीता था दादा, इधर देखिए समय भी जीता था, इसलिए फ्रंटलाइन झारखंड का चर्चा ठीक। थैंक यू।